हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, वर्ण विचार, फोनोलॉजी। बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र में अध्यापिका कुछ छात्रों को पढ़ा रही हैं। वो क्या पढ़ा रही हैं? म ओ र अ मोर, अ न आ र अ अनार। बच्चों, अध्यापिका ने बोर्ड पर जो लिखे हैं वे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे आइए इन चित्रों को पढ़ते हैं। म ओ र अ मोर, अ न आ र अ अनार। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? किसी भाषा के सभी वर्णों को क्रमबद्ध समूह में लिखा जाता है। इसी क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद। बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है। आइए इन्हें पढ़ते हैं। अ आ ई ई उ ऊ, री से ऋषि, ए आए ओ औ। इनके अतिरिक्त अंग अनुस्वार और अह विसर्ग भी हैं। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो वर्ण अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 35 है। आइए बच्चों पढ़ते हैं। क ख ग घ ण कवर्ग, च छ ज झ ञ चवर्ग, ट ठ ड ढ ढ ण टवर्ग, त थ द ध न तवर्ग, प फ ब भ म पवर्ग, य र ल व अंतस्थ, श स स ह उष्म। बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होता है? कुछ व्यंजन दो वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये निम्न प्रकार से हैं। आइए पढ़ते हैं दो वर्णों से बने संयुक्त व्यंजन। पहला है क श। क श से बना श, उदाहरण क्षमा रक्षा। अगला है ज ञ ज्ञ, उदाहरण ज्ञान यज्ञ। त र त्र, उदाहरण मित्र पत्र। और आखिरी है श र श्र, उदाहरण श्रमिक विश्राम। आइए बच्चों पढ़ते हैं अनुस्वार और अनुनासिक। निम्न पर ध्यान दीजिए और उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए। अंग। अंग को अनुस्वार कहते हैं। जैसे तिरंगा, अंगूर, पंडित, पंख। ये सभी बच्चों अंग के उदाहरण हैं। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर एक बिंदु के रूप में किया जाता है। आगे है अंग। अंग को अनुनासिक कहते हैं। बांसुरी, पूंछ, हंसी और ऊंट। इसका प्रयोग वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। आगे अह। अह को विसर्ग कहते हैं। प्रातः, दुख, नमः। बच्चों, ये सभी विसर्ग के उदाहरण हैं। इसका प्रयोग वर्ण के बाद में किया जाता है। आगे है मात्रा। व्यंजनों के साथ स्वरों को मिलाते समय इन्हीं चिन्हों मात्राओं को जोड़ा जाता है। स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार से हैं। स्वर, अ, मात्रा। मात्रा युक्त व्यंजन फ अ फ और शब्द बना फल। आगे स्वर है आ, मात्रा, र आ रा, शब्द राजा। ई,
मात्रा श ई शी, शब्द शिव। ई त ई ती, शब्द बना तीर। ऊ म ऊ मु, शब्द मुख। ऊ फ ऊ फू, शब्द फूल। रि से ऋषि, व रि व्रि, शब्द है वृक्ष। ए भ ए भे, भेड़। ए म ए मै, मैना। ओ ड ओ डो, डोरी। आओ न आओ नाव, नौका। बच्चों आगे पढ़ते हैं व्यंजनों पर मात्रा लगाना। मात्राएं व्यंजनों पर अलग अलग स्थानों पर लगाई जाती हैं। व्यंजनों के पहले लगने वाली मात्रा ई की मात्रा व्यंजनों के पहले लगती है। जैसे कवि, बिल, दिन, तिल। यहाँ पर बच्चों मात्रा पहले लगी है, व्यंजनों से पहले लगाई गई है। व्यंजनों के बाद लगने वाली मात्राएं आ ई ओ औ की मात्राएं व्यंजनों के बाद लगती हैं। जैसे छाता, सीटी, टोपी, पौधा। यहाँ पर बच्चों सारी मात्राएं व्यंजनों के बाद लगी हैं। व्यंजनों के ऊपर लगने वाली मात्राएं ए और ए की मात्रा व्यंजनों के ऊपर लगती हैं। जैसे मेज, सेब, सैनिक, बैल। व्यंजनों के नीचे लगने वाली मात्राएं ऊ, ऊ, व, ऋषि की मात्राएं व्यंजनों के नीचे लगती हैं। जैसे पुजारी, तराजू, पृथ्वी। बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।